नमस्कार, मेरा नाम है, आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Xiaomi Redmi Note 4 और Samsung Galaxy J7 Prime के बीच में स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, और आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों फ़ोन्स में से आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर होगा। तो आज हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन दोनों फ़ोन के बीच में, और वो कंपैरिजन होगा हेवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग के थ्रू। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन सा फ़ोन है जो कि हेवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग में आपके लिए बेटर स्पीड दे पाता है। ये स्पीड टेस्ट हम करने वाले हैं दो तरीक़ों से। पहला तरीका जिसमें हम सेम टाइम पे दोनों ही फ़ोन्स में एप्लीकेशन ओपन करेंगे और देखेंगे कि कौन से फ़ोन में फास्ट एप्लीकेशन ओपन हो पाती है। दूसरा तरीका, हम स्टॉप वॉच के थ्रू इन सारी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और देखेंगे कि कौन से फ़ोन में कम टाइम लगता है इन सारी एप्लीकेशन को ओपन करके कंप्लीट करने में। चलिए स्पीड टेस्ट करने से पहले आपको बता दें इनके कॉन्फ़िगरेशन। यह है Redmi का Note 4, जहां पे आपको मिलता है Snapdragon का 625 चिपसेट, और अगर हम RAM की बात करें तो ये अवेलेबल होता है 2, 3 और 4 GB RAM में, और जो अभी हमारे पास फ़ोन अवेलेबल है वो है 4 GB RAM के साथ में। और यहां पर Samsung J7 Prime में आपको मिलता है 3 GB RAM और Exynos का 7870 चिपसेट। तो चलिए अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ऑब्वियसली जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलती है वो मिलती है Redmi Note 4 में ज़्यादा। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन आपको मिलता है 12,999 रुपये की प्राइस में, जो कि है 4 GB रैम वाला वेरिएंट। और ये है Samsung का J7 Prime, जो कि आपको मिलता है 16,900 रुपये की प्राइस में। अब देखना यह है कि कौन सा फ़ोन है जो कि आपके लिए बेटर स्पीड दे पाएगा। तो पहले आपको दिखाते हैं कि दोनों ही फ़ोन में हमने सेम वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है ताकि हमें इंटरनेट का स्पीड सेम मिले। तो ये आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन कनेक्टेड हैं JioFi 3 से। दोनों ही फ़ोन में सेम नेटवर्क कनेक्ट किया हुआ है ताकि हमें सेम इंटरनेट का स्पीड मिले। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अल्फाट 8 के साथ में। तो ये थी स्पीड की बात। आपने देखा मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन में आपको Redmi Note 4 विनर दिखाई दिया। सिर्फ दो ही ऐसी एप्लीकेशन जैसे कि Ultraswap 8 और GTA SA में विनर था Samsung का Galaxy J7 Prime, बाकी सारी एप्लीकेशन में आपको Redmi Note 4 फास्ट दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि J7 Prime का स्पीड अच्छा नहीं है। आपने देखा जो सबसे हेवी गेम्स हैं जैसे कि Ultraswap 8 और GTA SA, उनमें J7 Prime ही विनर रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों का स्पीड है वो ऑलमोस्ट सेम है। और अब हम देख लेते हैं कि क्या वो सारी एप्लीकेशन ओपन है या नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं पहले Ultraswap 8 पर।
और दोनों ही फ़ोन्स में आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन अभी तक ओपन है। अब चलते हैं हम डेड ट्रिगर 2 पर। तो यहाँ पर रेड टिकट 2 रेडमी नोट 4 में क्लोज हो चुका था, जबकि G7 प्राइम में क्लोज नहीं हुआ था। तो ये था एक तरीका स्पीड टेस्ट करने का। दूसरा तरीका हम करेंगे स्टॉप वॉच के थ्रू और देखेंगे कि कौन सा फ़ोन विनर होता है। सबसे पहले हम दोनों ही फ़ोन्स का रैम क्लियर कर देते हैं। तो इन दोनों फ़ोन्स का रैम क्लियर हो चुका है और हम स्टार्ट करेंगे पहले रेडमी नोट 4 के साथ में और देखेंगे स्टॉप वॉच के थ्रू कि ये कितनी देर में सारी एप्लीकेशन को ओपन करके कंप्लीट करता है। तो Redmi Note 4 ने सारी एप्लीकेशन को ओपन किया 1 मिनट एंड 46 सेकंड में और अब हम देखेंगे कि Samsung का J7 Prime इससे पहले ओपन कर पाता है या नहीं। स्टार्ट करते हैं Samsung के J7 Prime के साथ में। और Samsung J7 Prime ने सारी एप्लीकेशन को ओपन किया 1 मिनट एंड 48 सेकंड में। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन्स का स्पीड काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिला और दोनों ही फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिला था, चाहे हम बात करें पहले तरीके की और चाहे हम बात करें दूसरे तरीके की। तो यहाँ पे लेकिन विनर होता है Redmi का Note 4, लेकिन दोनों में से आप कोई सा भी फ़ोन ले सकते हैं। यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि Redmi Note 4 था हमारे पास 4GB रैम के साथ में और Samsung का J7 Prime है 3GB रैम के साथ में। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हम इसका एक डिटेल कंपैरिजन आपको बहुत ही जल्द देने वाले हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएगी, जैसे कि डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा, गेमिंग परफॉर्मेंस और सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो या फिर आपके पास कोई सुझाव हो। तो आगे कैसे वीडियोस देखने के लिए इस बटन पर क्लिक करना ना भूलें। इस बटन पर क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के लिए नए अपडेट्स ले सकते हैं। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।